तो बचपन में आप ईद क्या देती थी दोस्तों को, देती थी या नहीं देती थी बचपन में? चूड़ियाँ मेहंदी देती थी। अच्छा, और अब? अब क्या देती? अब मैं कपड़े, मेरी एक ही दोस्त है, हमें आया नहीं कुछ, है ना? ये हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद जरूर इनसे रابطہ करेंगे कि वो हमारी ईद कहाँ गई। बस उस बेचारी का भी ऐसे हुआ एंड मोमेंट में, यार ना लाइक लॉकडाउन लगा हुआ है, बेचारी कहाँ से हमें देंगी। अब ईद का दिन भी है तो आप कैश दे दीजिए, कहा ठीक है, मैं आप अपने अकाउंट नंबर दीजिए, हम ऑन द स्पॉट ले लेंगे, हम ऑन द स्पॉट ले लेंगे। बैंक बंद है ना, वो नहीं मिले नए नोट इस दफा, तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूँ। ओके ओके, फाइन, ये नए नोट दिख कर हमें। अच्छा मुझसे आप सवाल करना चाहूंगी, आपने एक्टिंग की तरफ भी कदम रखा जी, तो कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपका भी? मेरा भी एक कॉमेडी सिटकॉम है। अच्छा, वो इंशाल्लाह ईद के थर्ड डे ऑन एयर होगा। अच्छा, माशाल्लाह, कहाँ पे देखिएगा? आज एंटरटेनमेंट पे 8 बजे रात को लगेगा। अच्छा, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उसके टीजर देख रही थी, रमजानों में आए थे तो मैं इतना खुश होती थी, मम्मा को दिखाऊँ, अब्बू जी को दिखाऊँ, अपनी बहनों को भेजूँ की यार मेरा टीजर आ गया, देखो देखो। तो बड़ा एक, जिसे कहते हैं जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी क्या। चलिए, आपका कोई फेवरेट उसमें डायलॉग, कोई एक्ट हो तो हमें लाइव करके दिखाएं, हम भी आपको बताएं कि बुशरा गुलफाम के अंदर कितने गट्स हैं एक्टिंग के। अच्छा, फेवरेट डायलॉग तो मेरा ऐसे नहीं था, एक फेवरेट कैरेक्टर था जो मेरे साथ थी बहुत ज्यादा, निमरा है, वो खाला बनी हुई है। अच्छा। तो हम दोनों का पूरा दिन गॉसिप्स करना हमारा काम था, हम पूरी सोसाइटी की गॉसिप, लोगों के घर तोड़वाना, बिल्कुल लोगों के घर तोड़वाते थे, हम इधर की बात उधर करते थे, उसकी बात उसको बताते थे, ये हमारा पूरा दिन का काम होता था। तो मुझे उनके साथ काम करके सबसे ज्यादा, मुझे कोई ऐसे डायलॉग नहीं याद क्योंकि हमारा कोई इस तरह का डायलॉग था ही नहीं। मैं एक ढाबे वाली हूँ, चाय बनाती हूँ, बस चाय बनाती है, चाय बनानी आती है, मैंने शूटिंग चाय एक दफा भी चाय नहीं बनाई। एक जमाने में आप एक वो बर्गर से रिलेटेड भी वीडियोस करती थी, उसका एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मिस बुशरा गुलफाम चैनल पर आ रही है और उनका प्रोग्राम जो है स्टार्ट होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंडे वाला बर्गर। और आज मैं आपको बताऊंगी ये अंडा मुर्गी ने कैसे दिया था और अंडे को देते हुए कितनी तकलीफ में थी वो, उसके बाद ये बर्गर का अंडा कैसे बना है। अंडे के वाले बर्गर से आप बहुत फेमस हुई, कितनी वीडियोस की इसके ऊपर? मैंने इसकी 40+ वीडियोस की, 40+। हाँ, लाइक बुशरा पजल हो चुकी थी, मेरे साथ भी थोड़ी मतलब डिस्कशन हो जाती थी, तो उसमें शी वाज पजल कि यार व्हाट इज दिस, मतलब अंडे वाला नया क्या दिखाऊंगा, वो एक ही चटनी इस्तेमाल कर रही है, एक ही गोभी, एक ही टिक्की में उसे मैंने मशवरा दिया था। आप ऐसा करें कि आप अंडे का साइज बताएं कि ये अंडा थोड़ा सा सफेद था, इसके ऊपर कितने वो मतलब स्पॉट्स थे, उसके बाद अंडा जब तोड़ा गया तो एंड पे मैं बताती थी उसको बनाने के तरीके कि वो इस तरह से वो लपेटा बर्गर कोई आया हुआ है, फिर मैं पता नहीं कौन कौन से बर्गर वाले बर्गर खा खा के इन बेचारी की सेहत फिर भी नहीं बनी। खैर, अंडे का बर्गर जो है वो हमारे लाहौरियों की शान है। ये पूछे उन लोगों से जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं और तरस रहे हैं, वो अंडे वाला बर्गर, वो लंबा वाला बन, उसके अंदर चटनी, उसके अंदर मायो, उसके अंदर सैलेड, कमाल हो जाता है। अंडे के स्पाइस से इंटरेस्टिंग बात हमारी पहचान है, मैं अंडा ही नहीं खाती और मैंने हाँ। शो किया अंडे वाला, वो धक्का दे दे के आपने अंडे वाले अंडे को धक्का देती थी, उसके बाद ये बाइट लेती थी कि हाँ भाई अंडे वाला बर्गर खा लिया। तो खैर, अंडे के बर्गर की यहाँ पर बात होगी और बहुत ही सुरीली आवाज भी हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ पे कुछ राज भी हम खोल